जोधपुर संभाग स्तरीय बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद दीप प्रज्वलित कर मीडिया के साथ प्रेस वार्ता भी हुई, जिसमें मौजूदा सरकार की विफलता और झूठे वादों पर वक्तागण जमकर बोले। इस अवसर पर पक्ष के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के इस संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित राज्यसभा के सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, पूर्व सांसद हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जसवंत सिंह विश्नोई साहब, मेरे मित्र उत्तर प्रदेश में देवरिया के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री शलभ जी, संभाग के मीडिया प्रभारी गमनी जी, जयपुर से संभाग में मीडिया के काम के लिए हम सबका मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए आए हुए आदरणीय मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, मीडिया के कोऑर्डिनेटर आदरणीय जगदीश झांडिया जी, आदरणीय मदन जी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, सभी पत्रकार मित्रों, आज ये मीडिया सेंटर जैसा आदरणीय नवनीत जी ने बताया इसका शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कई दिनों से आप सब मित्रों की शिकायत थी कि हमको अलग अलग जगह घूम करके मीडिया के लिए आप सब लोगों से चर्चा करने के लिए आना होता है। मुझे लगता है कि कम से कम आज जोधपुर का मीडिया इसके लिए धन्यवाद देगा कि ठीक ठाक तरह से बना हुआ मीडिया सेंटर भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ जोधपुर में प्रारंभ किया। वीडियो मित्रों, वर्तमान से इस परिदृश्य में जब इस राजस्थान के कुशासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से जो निरंतर संघर्ष कर रही थी, कांग्रेस की वर्तमान सरकार के बाइपोलर होने, आपसी विग्रह का शिकार होने के कारण से जिस तरह की चुनौतियां राजस्थान में खड़ी हुई थी और एक छोटे से मतों के अंतर के कारण से आई हुई सरकार, जिस तरह से समाज से जुड़े हुए विषय और राजस्थान की प्रगति और शांति व्यवस्था से उदासीन होकर के उससे विमुख होकर के केवल और केवल कुर्सी बचाने कुर्सी पर बने रहने या कुर्सी प्राप्त करने के संघर्ष के चलते हुए राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पिछले 5 साल में खून के आंसू होने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्थान का हर वर्ग संवर्ग पिछले 5 साल में इस सरकार के विफलता के चलते हुए, सरकार की अकर्मण्यता के चलते हुए, सरकार के उनसे जुड़े हुए विषयों के प्रति प्राथमिकता के अभाव के चलते हुए पूर्ण रूप से उनके जीवन में एक व्यवधान इस दृष्टिकोण से आया है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के और जनता के जिस विश्वास को अर्जित किया, उस विश्वास को लेकर के जनता की जो पीड़ा पिछले 5 साल के उस पीड़ा को निरंतर पीड़ा के लिए संघर्ष करते हुए उस संघर्ष के रथ पर आरूढ़ होकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के समर में उतरी है, या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सूचियों के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है, अभी कांग्रेस में प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के भी वही संघर्ष जो पिछले 5 साल से था वो चल रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सुशासन देने, राजस्थान की महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने और उसके सामने खड़ी हुई चुनौतियों और उसके सामने खड़े हुए संकट को समाप्त करने, युवाओं के अंधकार में हुए भविष्य को पुनः रोशन करने, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने,
और राजस्थान को भारत के इस प्रगति की यात्रा में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस परिस्थिति में राजस्थान अपनी संपूर्ण संभावनाओं का दोहन करते हुए राजस्थान उस प्रगति की यात्रा में भारत का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से राजस्थान को खड़ा करने के उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज इस चुनाव के समर में उतरी है। सरकार के पास क्योंकि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, धोती घोषणाओं के अतिरिक्त, आधारविहीन घोषणाओं के अतिरिक्त, धरातल पर उतारी न गई घोषणाओं के अतिरिक्त सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, केवल आंकड़ों के मकड़ जाल में फंसा करके राजस्थान की जनता को एक बार दिग्भ्रमित करने का विफल प्रयास राजस्थान की सरकार वर्तमान में कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए कि पिछले 4.5 साल में वो जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप डिलीवर नहीं कर पाए, पिछले 4.5 साल में वो उन्होंने जनता के साथ में, जनता के हर एक वर्ग संवर्ग के साथ में धोखा किया है, ये जानते हुए और पहचानते हुए पिछले 6 महीने से लगातार पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर, फिर महंगाई राहत शिविर में दी गई घोषणाओं के नाम पर, और बाद में अभी 7 गारंटियों के नाम पर राजस्थान की जनता को एक बार फिर धोखा दे रहे हैं और एक भुलावे और छलावे में लाने का विफल प्रयास कर रही है। लेकिन क्योंकि राजस्थान की जनता अब इन सब विषयों को ठीक से पहचान रही है और राजस्थान की जनता ने इन सब विषयों को ठीक से समझा भी है, तब राजस्थान की जनता इन कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियों की हकीकत को जानते हुए अब उनके बुलावे में नहीं आने वाली। मित्रों, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी नेता के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी देंगे ऐसा राजस्थान में एक नया शगुफा शुरू किया। आखिर के 6 महीनों में उन्होंने आनंद फानंद में अंग्रेजी विद्यालय खोले, बिना किसी तैयारी के खोले। उन विद्यालयों में 58% अध्यापकों के पोजीशन रिक्त है और उसमें जितने भी अध्यापक लगाए गए उनमें से कुछ उंगली पे गिने जा सकने वाले अध्यापकों के अतिरिक्त कोई भी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित प्रशिक्षित भी नहीं। उसने खुद ने भी अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की और वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड भी नहीं। केवल पोस्टिंग की सहूलियत के आधार पर कुछ लोगों को उस तरह की पोस्टिंग दी गई और ऐसा संज्ञान में आया है कि 125 से ज्यादा टीचर्स ने वापस लिख करके कि हम असमर्थ है, हमको वापस हिंदी माध्यम में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए, ये लिख करके सरकार को अनुरोध किया है बिना किसी कोई तैयारी के। और दूसरी तरफ जहां भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति, भारत की शिक्षा नीति लेकर के आई, जिस शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में हो, वैज्ञानिक आधार पर इसका अध्ययन कर, मैं बेशक खुद अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ा हूं, मेरे परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े, लेकिन उस समय जिस तरह के भारत में हालात थे और जिस तरह के सोच थे, जिस तरह की सरकारें भारत में काम कर रही थी, उनके कारण से समाज में मानसिकता ये थी कि अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन ही श्रेष्ठ है। आज जब पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि मातृभाषा में अध्ययन करना श्रेयस्कर है, देश का पाठ्यक्रम हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजों ने अपने लाभ के दृष्टिकोण से जिस तरह की पढ़ाई भारत में होना चाहिए इस तरह की पढ़ाई की भारत में व्यवस्था की थी। और दुर्भाग्य से भारत के आजाद होने के बाद में जिन सरकारों के समय में जिस मानसिकता के चलते हुए भारत में शिक्षा नीतियां बनी उसमें कभी आमूलचूल परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से नहीं सोचा गया। भारत में रिसर्च को, भारत में एनालिटिक्स को, भारत में जो है शिक्षा को नए दृष्टिकोण से देखने के नितांत आवश्यकता थी। शिक्षा, भारत की जो शिक्षा पद्धति 2 मूल्यों पर आधारित थी, आप और मैं सब लोग पढ़े। पहली चीज कि भारत में जो हमारी शिक्षा नीति थी उसका पहला पिलर था कि हम जो जितना ज्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकता है वो उतना ही विद्वान है। मुझे तो बहुत सारी प्रताड़ना मिली है बचपन में, शायद आप लोगों को भी पहाड़े याद कराने के लिए बहुत सारी डांट पड़ी होगी। कई लोगों को क्लास में पुराने जमाने में होता था कि टीचर सजा देते थे, मुझे तो अक्सर धूप में हाथ ऊंचा करके खड़ा करने की सजा मिलती थी। पहाड़े याद करना, कैपेसिटी टू कैलकुलेट, और दूसरा कैपेसिटी टू रिसाइट, याद करने की क्षमता, जो जितना रट लेगा वो उतना ही जीनियस है, वो सब जगह श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन आज वर्तमान की परिस्थितियों में तकनीकी में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है अब इनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई। आज जो एनालिटिकली ज्यादा सोच सकता है,
जो किसी विषय को 360 डिग्री में किस तरह से सोच सकता है, उस दृष्टिकोण से रिसर्च और नई सोच के साथ में हम कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसी शिक्षा नीति भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति में बनाई है। ये वैज्ञानिक आधार पर बनाई गई शिक्षा नीति भारत के अनुकूल, भारत के हितों के लिए, भारत के लिए बनी हुई पहली शिक्षा नीति है। उसके अनुकूल पाठ्यक्रम में बदलाव निश्चित रूप से होना ही चाहिए। और इस कार्रवाई के चलते जो खिसियाहट है और कार्रवाई आगे न बढ़े उसको लेकर के जो मन में भय है, उस भय का प्रतिकार इतने सुंदर शब्दों के साथ में संवैधानिक व्यवस्था से बनी हुई एक संस्था के लिए माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है। मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 10 साल के, जितने 10 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद में जितने भी पीएमएलए में केसेस उन्होंने किए, उनकी सफलता जो कन्विक्शन रेट है, जिसमें कोर्ट ने, न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर के अंतिम सजा और फैसला सुनाया है, उसकी दर 96.54%। दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सक्सेस कन्विक्शन रेट रेशियो इससे बेहतर नहीं है, दुनिया का, देश का नहीं कह रहा हूं। उस संस्थान को जिसने पिछले पूरे 10 साल में जितने केसेस किए हैं अब तक, उन सारे केसेस में केवल 3% केसेस सरकार में काम करने वाले जनप्रतिनिधि या कोई पूर्व जनप्रतिनिधि, कुल मिलाकर के 3% भी केसेस ऐसे लोगों के नहीं है। उस संस्था के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग करना, देश की जनता और प्रदेश की जनता जानती है कि दर्द कहाँ है और टीस कहाँ से निकलवा है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी का मीडिया विभाग प्रदेश में मीडिया सेंटर मॉनिटरिंग करने के बाद हर संभाग में अपना मीडिया सेंटर खोल रहा है, और उसी कड़ी में आज जोधपुर संभाग हेडक्वार्टर का ये मीडिया सेंटर जोधपुर में आज उद्घाटन हुआ है। उसके निमित्त इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में आदरणीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद माननीय गजेंद्र शेखावत जी, राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी भाई साहब, पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई जी भाई साहब, हमारे केंद्र प्रवक्ता प्रवास में जोधपुर पधारे सलभमणि त्रिपाठी जी भाई साहब, और हमारे बीच में मीडिया कोऑर्डिनेटर जयपुर से पधारे मुकेश जयमन जी भाई साहब, और जोधपुर संभाग के मीडिया प्रभारी जगदीश जी भाई साहब, और हमारे आदरणीय जोधपुर के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा जी भाई साहब, और लुणी से पूर्व विधायक जोगाराम जी भाई साहब हमारे बीच में विराजे हैं। अब मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र जी शेखावत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं प्रदेश में जो 7,200 लोग, इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे, जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके, जिन राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए, उन जो राजस्थान के राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के चलते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के सबको सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार, राजस्थान की सरकार काम कर। सर, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पिछली बार OPS लागू हो इसको लेकर के भी अभी तो संकट प्रदेश के जो लोगों के सामने, प्रदेश के कर्मचारियों के सामने खड़ा है। जैसा मैंने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा और चुनाव में लाभ प्राप्त करने की घोषणा के रूप में, एक हथियार के रूप में उन्होंने लिया है। एक बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने घोषणा देने करने के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो उसमें असमर्थता व्यक्त की है, पहले उसका जवाब देना चाहिए। भारत की सरकार इस विषय के स्थायी समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उस पर विचार कर रही है, ताकि किसी भी तरह से हमारे किसी भी कार्मिक का,
जो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले परिलाभ है उसमें नुकसान न हो, इसका होलिस्टिकली रिव्यू करके इसका फॉर्मूला एक बना करके इस विषय को एड्रेस करने के लिए गंभीरता से काम करें। सर, राजस्थान में भाजपा आती है तो पत्रकार सुरक्षा लाने के लिए एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये स्वतंत्रता निश्चित रूप से हो कि अंग्रेजी माध्यम में जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको अंग्रेजी से मोह है वो पढ़े, लेकिन कम से कम अंग्रेजी विद्यालय के नाम पर धोखा तो न हो। महाविद्यालय के नाम पर राजस्थान में जो 450 कॉलेज खोले गए, जिनमें एवरेज एक कॉलेज में 1000 से लेकर 1400 तक विद्यार्थी हैं, उनमें एक एक शिक्षक भी एवरेज पूरे नहीं है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ न हो, केवल राजनीतिक प्रतिलाभ के दृष्टिकोण से राजस्थान के युवाओं और उनके परिजनों, राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के साथ में धोखा न हो, इसको सुनिश्चित करना चाहिए। दमन नहीं सही बोल रहे यार, ये क्या कर रहे हो भाई साहब, फिर पीछे अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।